गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंग्लिश. आवर टॉपिक इज मॉडल टेस्ट पेपर टेस्ट वन. तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर का सेक्शन बी कंप्रेशन ये डिस्कस करेंगे. नंबर ई पर है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो हमें नीचे एक पैसेज दिया गया है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फोटो दिया गया है. उस पैसेज को पढ़ेंगे और रीड करके उसका क्या आंसर होगा हमें उसका आंसर बताना है. ये हम इस पैसेज को पढ़ते हैं. यस्टरडे वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर अंकित. इन द मॉर्निंग ही सॉ ए फिल्म विथ हिज फैमिली. द नेम ऑफ द फिल्म वॉज कार्स. इट वॉज ए वेरी एंजॉयबल फिल्म. आफ्टर द फिल्म दे हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट. अंकित एंड हिज सिस्टर यामिनी एट फ्राई राइट्स विथ मशरूम मंचूरियन. Their parents had idlis and dosas. After they came back home, his father went out to buy some vegetables and fruits. His mother went to neighbor's house for tea. His sister went to a birthday party with her friends. But Ankit was too tired to go anywhere. He stayed at home and watched TV. Okay. Yesterday was a very interesting day for Ankit. तो क्या था, कल अंकित के लिए एक इंटरेस्टिंग डे था. इन द मॉर्निंग ही सॉ ए फिल्म विथ हिज फैमिली. सुबह वो क्या क्या था, सुबह अपने फैमिली के साथ एक पिक्चर देखा था, एक फिल्म देखा था. द नेम ऑफ द फिल्म वॉज कार्स. जो मूवी वो देखा था अंकित, वो फिल्म का नाम क्या था, कार्स था. इट वॉज ए वेरी एन्जॉयबल फिल्म. वो क्या, बहुत एन्जॉयबल यानी कि मज़ेदार फिल्म था, जो कि अंकित वो बहुत एन्जॉय किया वो फिल्म को. आफ्टर द फिल्म दे हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट. उसके बाद क्या हुआ, फिल्म देखने के बाद अंकित रेस्टोरेंट में खाना खाया. दोपहर का जो खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं. तो दोपहर का खाना वो कहाँ पर खाया, रेस्टोरेंट पर खाया मूवी देखने के बाद. अंकित एंड हिज सिस्टर यामिनी एट फ्राइड राइस मशरूम मंचूरियन. अंकित और उसके जो बहन थी सिस्टर यामिनी, वो दोनों फिल्म देखने के बाद क्या खाए, फ्राइड राइस मशरूम और मंचूरियन, ये सारा खाए. देयर पेरेंट्स हैड इडलीस एंड डोसास. उनके पेरेंट्स लोगों के पास क्या था, इडली और डोसास था. आफ्टर दे केम बैक होम हिज फादर वेंट आउट टू बाय सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जब वो घर पहुँचे ये मूवी देखे पहले, उसके बाद कुछ खाना खाए, लंच किए, उसके बाद जब वो घर लौटे तो उस तो क्या हुआ था, हिज फादर वेंट आउट टू बाय सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. क्योंकि अंकित और यामिनी के जो पापा थे वो क्या किए, वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए बाहर गए थे मार्केट. हिज मदर वेंट टू द नेबर्स हाउस फॉर टी. उनके मम्मी जो थी, अंकित और यामिनी की जो मम्मी थी, वो भी कहाँ गई थी, नेबर यानी कि पड़ोसी के घर में चाय पीने के लिए गई थी. हिज सिस्टर वेंट टू ए बर्थडे पार्टी विथ हर फ्रेंड्स. और जो अंकित की बहन थी वो क्या, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए गई थी. But Ankit was too tired to go anywhere. He stayed at home and watched TV. लेकिन अंकित क्या, वो जो मूवी देख के आया था वो बहुत थक गया था, बहुत टायर्ड हो गया था, इसीलिए वो कहीं भी नहीं गया और घर में बैठकर टीवी देख रहा था. तो ये था इस स्टोरी. उसके बाद इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर को. नंबर वन पर है, व्हाई वाज यस्टरडे एन इंटरेस्टिंग डे फॉर अंकित. अंकित के लिए कल का दिन क्यों बहुत इंटरेस्टिंग था. आंसर इज, यस्टरडे एन इंटरेस्टिंग डे फॉर अंकित बिकॉज ही सॉ ए फिल्म विथ हिज फैमिली. इट वॉज ए वेरी एन्जॉयबल फिल्म. एंड दे हैड लंच एट ए रेस्टोरेंट. कल का दिन अंकित के लिए क्यों बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कल वो एक फिल्म देखने गया था अपने फैमिली के साथ और वो बहुत एन्जॉयबल फिल्म था, वो बहुत मज़ेदार फिल्म था. और वो लोग क्या किए, फिल्म देखने के बाद अपना लंच रेस्टोरेंट में करने के लिए गए थे. तो दोपहर का खाना वो रेस्टोरेंट में खाए थे. तो इसीलिए ये सब के वजह से, जैसे कि मूवी देखने गए और वो मूवी बहुत एन्जॉयबल था, वो अपने फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था और अपना जो लंच था वो खाना, दोपहर का खाना वो रेस्टोरेंट में किए थे, तो इसीलिए अंकित का दिन कल का बहुत इंटरेस्टिंग था. नेक्स्ट नंबर टू पर क्या क्वेश्चन है, व्हाई डिड अंकित स्टे एट होम. अंकित क्यों घर में ही रुका था. अंकित स्टे एट होम बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी वेयर.
अंकित इसीलिए घर में रुका था क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुका था किसी बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही मूवी देखने गया था अपने फैमिली के साथ और लंच भी अपना रेस्टोरेंट में किया था, इसलिए वो बहुत टायर्ड हो चुका था। इसी वजह से वो बाहर कहीं घूमने नहीं गया और मैं ही रुका रहा। बात नेक्स्ट नंबर 3, फाइंड टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। हम जो अभी पैसेज रीड किए थे, ये पैसेज में दो तो नाउन क्या है, एक दो नाम क्या क्या है, अंकित और यामिनी, ये दोनों नाम जो है इसको इस पैसेज में क्या है, नाउन है। अंकित एंड यामिनी आर टू नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। नंबर 4, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। हम जो ये पैसेज अभी रीड किए थे, इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल देंगे तो क्या होगा एक अच्छा टाइटल, क्योंकि इसमें फैमिली के बारे में ज़्यादातर दिया गया है, तो इस पैसेज का नाम हम क्या देंगे, टाइटल फैमिली टाइम। फैमिली टाइम इज़ ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। ये जो पैसेज था इसके लिए एक सुटेबल टाइटल क्या होगा, क्योंकि इस पैसेज में सिर्फ ज़्यादातर फैमिली के बारे में ही दिया गया है, तो इसीलिए हम इस पैसेज का नाम फैमिली टाइम देंगे। आज का मॉडल टेस्ट पेपर का 3 नंबर का डिस्कशन, आज का आपका होमवर्क है ये पैसेज को अच्छे तरह से रीड करना और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है फोटो उसका आंसर लिखना है। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।